अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बिजी थे क्या राहिल भाई? जी जी वैसे आ गया था, आप फ्री हैं बताइए। अभी देखो क्या उसको कॉल पे। हाँ एक मिनट। ज्या व्यक्तीशी आपण बोलत आहात त्याने आपला कॉल होल्ड वर ठेवला आहे, कृपया लाइन वर रहा। आप जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं उसने आपकी कॉल को होल्ड पर रखा है, कृपया लाइन पर बने रहें। द पर्सन यू आर स्पीकिंग विथ हैज पुट योर कॉल ऑन होल्ड, प्लीज स्टे ऑन द लाइन। हेलो। हेलो हाँ राहिल भाई बात करो ना। जी जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम, खैरियत है? अल्हम्दुलिल्लाह। जी बताएं कहाँ क्या इश्काल है आपका? अभी मसला ऐसा है कि समझो जैसा वो यजीद के जो मतलब नहीं क्या वो ये थे माविया, आमिर माविया, तो उनके सिलसिले में ऐसा था कि हमारा भाई जो है मुश्ताक भाई, ये बोल रहा था कि इमाम हसन ने और इमाम हुसैन ने एक तो उनके हाथ पे बैठ लिए जी, और दूसरी बात वो हमारे इमाम है मुसलमानों के। जी बिल्कुल हमारे इमाम है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, तो वो हमारा थोड़ा हमको वो मसला जानना था कि जी क्या उसका ये मतलब कैसा दलील उसकी कैसी है। देखिए सही बुखारी की, सही बुखारी की शरह लिखने वाले इमाम इब्ने हजर अस्कलानी रहमतुल्लाह ताला अलैह और हजरत अमीर मुआविया का इश्तेहादी खता, इसके ताल्लुक से लिखते हैं, सुन रहे हैं? हाँ सुन रहा हूँ। इसके ताल्लुक से लिखते हैं, अहले सुन्नत इस बात पर मुत्तफिक है नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सहाबा पर किसी एक सहाबी पर उन जंगों की वजह से लान तान नहीं किया जा सकता जो उनसे वाकियत पेश आए। अगर कोई किसी एक सहाबी को हक जानता है लेकिन किसी दूसरे पर लान तान नहीं कर सकता, क्योंकि ये जंग उन्होंने की है वो इश्तेहाद की बुनियाद पर, और अल्लाह ताला ने इश्तेहाद में खता करने वालों से दरगुजर किया है और इश्तेहादी खता करने वालों के कम से कम एक अजर मिलता है, और जो इश्तेहाद में सच्चा हो उसको दो अजर दिए जाते हैं। तो ये हजरत लिखते हैं कि एक सहाबा के गिरोह वो था जो ना जंगे जमल में शरीक हुए ना ही जंगे सिफीन में, और तमाम के तमाम तावील करने वाले थे, वो अल्लाह की बारगाह में अजर पाएंगे उनके इश्तेहाद पर। सफा नंबर 83 पर लिखते हैं, जमूर अहले सुन्नत इस तरफ है जिन्होंने हजरत अली के साथ मिलकर जंग किया, और ये भी साबित है जो हजरत अली के मुकाबले में थे बगावत इश्तेहाद थे। बावजूद इसके के सारे अहले सुन्नत जिन साहबा को दुरुस्त समझते हैं इस बात पर भी मुत्तफिक हैं, इन साहबा में से एक पर भी मजम्मत नहीं की जाएगी बल्कि उन्होंने इश्तिहाद में खता की। फताहुल बारी शरह बुखारी सफा नंबर 42 से 83 तक। अच्छा सुना आपने? हेलो। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। अब आपसे मेरा एक छोटा सा सवाल है, अगर आप वो पूरा कोशिश कर दें उसको समझाने की। आप मुझे 1400 साल में ऐसे मुहद्दिस को दिखा दीजिए, ऐसे मुफस्सिर का एक कौल दिखा दीजिए जिन्होंने हजरत अमीर मुआविया के ऊपर लानतान करी हो और गलत कहा हो। नहीं एक दिखा दीजिए। ऐसा कोई नहीं है। लेकिन मसला ऐसा है कि बाद अभी जैसा हम YouTube पे वीडियो वगैरह देखते हैं कुछ मौलाना लोगों की जी, तो उसमें एक मौलाना का बयान मैंने ये सुना था कि भाई आमिर माविया जो थे वो मौला अली को उनके जो ये होते थे जैसे समझो ना क्या वो मीटिंग जैसा भर्ती उनके ना क्या क्या बोलते उसको उसके अंदर लोग जो मौला अली के खिलाफ बात करते थे, मौला अली को गलत बोलते थे, उनको उठा के वो बोलते थे बोलो और बोलो। तो इसके बारे में क्या दलील है? इसका मतलब आप जो बात ये सही है गलत है आप हाँ जो पेश कर रहे हैं वो मुकम्मल अगर बात होती हवाले के हाँ साथ हाँ पूरी बात होती तो हम बताते भी आपको। अच्छा आप अच्छा सारे मुहद्दिसों को सारे उलमा को छोड़ दिए, रसूलुल्लाह की तो आप मानते हैं? हाँ हाँ सही बात है, रसूलुल्लाह की तो मानते ही है ना?
हाँ मानते हैं बरोबर। तो नबी करीम ने हजरत हसन रजी अल्लाह ताला अनु के बारे में फरमाया कि मेरा ये बेटा सरदार है, हो सकता है अल्लाह इसके जरिए मुसलमानों के दो अजीम गिरोह के दरमियान सुलह कराएगा। हाकिम अल मुस्तदरक हदीस नंबर 4809। और अगली रिवायत के अल्फाज यूं हैं कि बेशक अल्लाह ताला इसके जरिए मुसलमानों के दो अजीम गिरोह में सुलह कराएगा। हाकिम अल मुस्तदरक हदीस नंबर 4810 है, सही है। अब यहाँ रसूलुल्लाह हजरत अमीर मुआविया को मुसलमान कह रहे हैं, बराबर। अब बाकी खत्म हो जाती है, अब कोई मुल्ला मौलवी कोई कुछ कहता रहे, हमें किसी से क्या करना, हमारे करीम आका ने फरमा दिया, बात खत्म हो गई। सही बात। तो अच्छा। जी बताइए। हाँ नहीं, ये सही है आप जो कह रहे हैं, एक बात वो दो भी मैंने सुना है दो तीन मरतबा, और लेकिन अभी समझो उसके अंदर एक सवाल ऐसा है जी। आपने कहा कि वो हमारे इमाम है, तो जी। उसकी थोड़ा हमको तहकीक बता दे क्या, काहे में हमारे, आपने जो कहा कि वो अमीर माविया जो है वो हमारे इमाम है जी, तो जी हमारे उसके इमाम अंदर, हाँ तो उसके अंदर थोड़ी बात बता दे डिटेल में। देखिए हर नबी हर सहाबी रसूल हमारा इमाम है। अच्छा है कि नहीं है? हाँ नहीं, आप अभी मसला क्या है, हमको हम जा ही ले समझो ना कि हमको, चलिए मैं बता देता हूँ। सहाबी रसूल हजरत अब्दुल्ला हजरत अब्दुल रहमान इब्ने अबी उमैरा से मरवी है कि नबी करीम ने हजरत मुआविया के हक में दुआ ये फरमाई थी, ए अल्लाह मुआविया को हादी व महदी हिदायत देने वाला और हिदायत याफ्ता बना दे और उनके जरिए लोगों को हिदायत दे। सुनन तिर्मिजी की हदीस है, ये हदीस नंबर 4842 सफा नंबर 730। और हजरत अब्दुल रहमान इब्ने अबी उमैरा की यही रिवायत इमाम बुखारी की किताब तारीख कबीर में इन अल्फाज के साथ मरवी है कि हजरत अब्दुल रहमान इब्ने अबी उमैरा से मरवी है कि नबी करीम ने फरमाया, ए अल्लाह मुआविया को हिसाब का इल्म अता फरमा और उन्हें अजाब से महफूज रख। हादी और महदी वाली भी रिवायत उसी के नीचे लाए हैं, तारीख कबीर जिल्द 4 सफा नंबर 327। अब हमारा नबी जिसके लिए दुआ कर रहा है तो वो हमारा इमाम नहीं होगा? नहीं है, सही बात है। और एक ऐसा मसला था कि समझो बहुत सारे जो अपने साहबी थे जी, उनका नाम भी माविया था, ऐसा मतलब नहीं क्या जी, बहुत सारे साहबियों का 13 के 14 साहबियों का नाम माविया था। अमीर माविया जब बात आती है तो वो जैद यजीद के जो वालिद है उनका नाम अमीर माविया आता है जी, लेकिन जी, बहुत जी। सारे साहबियों का 13-14 तो उसके सिलसिले से क्या जी बता रहे नहीं मालूम। हजरत इमाम हसन ने किन के भी सुलह कराई? मौला अली के और अमीर माविया के भी सुलह कराई। और रसूलुल्लाह फरमा रहे हैं कि मेरा बेटा दो मुसलमान गिरोह के बीच सुलह कराएगा। हाँ तो मुसलमान साबित हुए ना, यही हजरत अमीर माविया ही तो हुए ना? हाँ बराबर है ना, सही बात है। और हुजूर का फरमान है कि हजरत अली और हजरत अमीर मुआविया में जंग होगी और दोनों में मोमिन और हक पर होंगे, दोनों मोमिन होंगे और हक पर होंगे। अच्छा अच्छा हाँ हाँ हाँ। हजरत इमाम बुखारी अल मुतवफ़ा 256 हिजरी और हजरत इमाम अबू इशाक अल शातिबी अल मुतवफ़ा 790 हिजरी। आप लिखते हैं हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है, रसूलुल्लाह ने इरशाद फरमाया, क़यामत उस वक़्त तक नहीं आएगी जब तक मेरी उम्मत के दो अजीम आला जमातों में जंग ना करेगी और उन दोनों जमातों के दरमियान बहुत कुरेजी होगी, हालांकि दोनों का दावा एक ही होगा। हजरत इमाम इब्ने हजर अस्कलानी इस हदीस की शरह में समझाते हैं कि उनको अजीम जमातों से मुराद हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम, उनके साथी और हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं और उनके साथी हैं, और दोनों का दावा एक ही से मुराद दोनों गिरोह का मोमिन होना करार दिया गया है। सही बुखारी जिल्द 4 हदीस 7121 किताबल इत्तिसाम जिल्द 1 सफा 410 फतहुल बारी जिल्द नंबर 35 सफा नंबर 291। अयो माशाल्लाह, बहुत जज़ाकअल्लाह खैर, आपने बहुत अच्छी मालूमात दी जी। देखिए मैं आपको एक चीज बताऊं प्यारे भाई, हम अपने आमालों को नहीं देख रहे, हम अपनी बात भी कर रहे हैं, आपकी बात नहीं कर रहे, हम अपनी बात भी कर रहे हैं।
हम अपने अमालों की बात, अपने अमालों को नहीं देख रहे, हम ये देख नहीं रहे हम कितना झूठ एक दिन में बोलते हैं, कितनी मकारी करते हैं, कितना फरेब करते हैं, लेकिन हम उंगली उठाते हैं सहाबी रसूल पे। सही बात है ना, तो इन सब चीजों से परहेज करना चाहिए, वरना इंसान गुमराह हो जाता है। और आप समझदार हैं माशाल्लाह, आपकी समझ में आई बात, वरना कई लोग हैं जिनकी समझ में नहीं आती। राहिल साहब, अभी मसला कैसा है जी? अभी मसला ऐसा था कि मेरे को उसकी मालूमत नहीं है कि अपने पूरे सहाबी कितने थे, अपने पूरे सहाबी रसूल कितने थे। सहाबी तो बहुत थे। हाँ, सहाबी तो बहुत थे। अच्छा, तो फिर उसके मुताबिक मुझे एक सवाल पूछना था जी। कि मैंने कुछ ऐसे मस्जिदों में देखा जी कि भाई साहबिया है, इनका उरूस मनाया जाता है जी जी जी, तो फिर साहबी बहुत थे, तो स्पेसिफिकली इनका ही क्यों मनाते हैं? दूसरे को तो नाम भी नहीं पता हमें। नहीं, जिन जिन का नाम पता है उन सबका फातिहा नजर नियाज सब कराया जाता है, हमारे घर पे तो सबका होता है। मसला था जितने भी साहबी हैं सबका होता है, सब पे नजर नियाज होती है। और जब ये कहा जाता है कि जब फातिहा दिलवाया जाता है तो कहा जाता है ऐ अल्लाह इसका सवाब नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में पेश करते हुए तमाम अंबिया इकराम, तमाम अहले बैत, अहले अतार, तमाम सहाबी की बारगाह में पेश किया जाए, तमाम औलिया की बारगाह में पेश किया जाए, तो सब पेश हो जाता है। सही बात, सही है ना? हाँ सही बात। और बताइए, और क्या पूछना है आपको? उनके जो वालिद थे जी जी बोलिए। वो उसको है ना, मेन वो बात ये बताओ ना, वो इमाम हसन हुसैन की बैत का जी। देखिए, इमाम हसन और इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु ने जो बैत करी है उसका हवाला हम आपको भेज देंगे, लंबी तफसीर है, आप उसको आराम से पढ़िएगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अभी उसके अंदर एक मसला ऐसा भी था कि जो अबू सुफियान जो थे जी के वाली आमिर मामिया जी जी, तो वो भी साहबी रसूल थे जी। हाँ, तो फिर उनका तो मैंने पढ़ा कि भाई उनके दोनों आँख शहीद हुए थे जंग में जी जी, तो ये तो उनके बारे में तो बहुत सारी अच्छी बातें जी उसमें आई है सामने जी। ठीक है, ओके, बहुत शुक्रिया आपने। राहिल भाई जी 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 फरमाइए। हाँ, वो तुम्हारा वो एक मसला कर लो ना, हाला फिर राहिल भाई कैसे बिजी रहते, थोड़ा टाइम दे दो राहिल भाई हमको थोड़ा। हाँ बता दीजिए। वो आला हजरत का तो ना क्या नाम का आला हजरत का वो मसला ऐसा है कि जब जैसे समझो अपन हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब नाम लेते तो अपन बोलते हुजूर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी जी, और आला हजरत का जब नाम लेते तो आला हजरत ऐसा लफ्ज क्यों लगाते हैं? आला लफ्ज आला, देखिए ऐसे लगाते हैं कि अपने दौर में आला हजरत, अपने दौर में आला हजरत सबसे आला हजरत थे क्योंकि वो मुजद्दिद थे, अल्लाह ने उनको मुजद्दिद बना के भेजा और अपने दौर में ही सिर्फ थे। अब अगर आप देवबंदियों की किताब पढ़ी तो देवबंदी भी अपने वहाँ अपने अकाबिर को आला हजरत कहते हैं। और सबसे बड़ी बात अगर ये भी समझ में ना आए तो आपने देखा होगा लोग कहते हैं शेखुल इस्लाम इब्ने तैमिया या शेखुल इस्लाम फला, या लोग कहते हैं इमाम इमाम इब्ने हजर अस्कलानी हमारी मस्जिद का इमाम, तो इमामुल अंबिया तो रसूलुल्लाह है, तो फिर हम इमाम क्यों कहते हैं अपने इमाम को? सही बात है, है कि नहीं? हाफिज तो हमारे रसूलुल्लाह हैं, रसूलुल्लाह से बड़ा हाफिज हाफिज कुरान कौन हो सकता है, तो फिर भी हम कहते हैं हाफिज, हमारे जो हाफिज कुरान होते हैं उनको भी हम हाफिज कहते हैं। तो यहाँ ये मसला नहीं है, यहाँ मसला ये है कि अपने दौर में आला हजरत थे और ये उनको जो लकब दिया गया है इसका मतलब ये नहीं कि वो रसूलुल्लाह से माज़ अल्लाह सहाबा से या ताबई से या तबे ताबई से या किसी से भी वो आला हो गए, नहीं, अपने दौर के आला थे, जब तक उनकी उम्र हुई वो आला हजरत थे। अच्छा जी, आपको अगर हमें सामने आके मिलना है तो कहाँ पे आना पड़ेगा? लखनऊ आना पड़ेगा आपको भाई। नहीं, आपका समझो माशाल्लाह जो दीनी मालूमत है आपकी बहुत जबरदस्त है। नहीं, कोई मसला नहीं है, आपका हवाला है। आप एक काम ये करिए, आप हमारा नंबर ले लीजिए इन भाई से और आप हमें व्हाट्सएप पे मैसेज कर दिया कीजिए कुछ समझ में ना आए, इंशाल्लाह अगर हमें पता होगा तो हम बता देंगे
और नहीं पता होगा तो हम अपने वलमा से पता करके आपको बता देंगे। बेशक बेशक, ठीक है, आप हमारा नंबर ले लीजिए इनसे। महाराष्ट्र में कभी आना होता है क्या? नहीं, कभी नहीं आए, तो आइए कभी पुणे, आएंगे इंशाल्लाह। एक इत्र हमको मंगाना था आपके महाराष्ट्र से, तो ये समझ लीजिए कि बड़ी मशक्कत पेश आई। एक इत्र हमको मंगवाना था तो कोई मिल नहीं रहा, जो एक इत्र भेजे तो एक भाई क्या मंगाना है, क्या इत्र मंगाना है आपको? नहीं नहीं, एक इत्र मंगाना था, भेज दिया हमारे भाई ने। तो नाम बताओ, हम भी नहीं, अब तो है अल्हम्दुलिल्लाह, है अल्हम्दुलिल्लाह, ऐसा कोई मसला नहीं है। आप कभी लखनऊ तशरीफ लाइए तो हमारे गरीब खाने पे जरूर तशरीफ लाइए, आपका खैर मकदम है इंशाल्लाह। तो कौन सा आप यूज करते हैं? क्या चीज? इत्र? अरे नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है, बस आप आप हमसे जुड़े रहिए और इंशाल्लाह कोई ऐसा सवाल आए आप मुझसे मुझे भेजिए, मुझे नहीं पता होगा तो मैं पूछ के भेजूंगा और इंशाल्लाह आपकी सही रहनुमाई करूंगा। मुझे किसी को गुमराह करने का शौक नहीं है, ना ही ये गुनाह अपने सर लेना चाहता हूँ मैं, तो मुझे अपनी आखिरत का डर है। नहीं नहीं राहिल साहब, मसला क्या होता है पता है क्या? एक्चुअली में हमारे इधर देहातों में क्या होता है, जो मौली मौलवी जो इमाम साहब हमारे होते हैं, जब भी हम उनको कोई मसला पूछते, जैसा आपने अभी हर चीज का हवाला, आपको सब याद है सब बातें, आप वो तहकीक में समझो हमको एक चीज चाहिए तो आपने 10 चीज बता दी उसके अगेंस्ट में, नहीं क्या जी? मतलब जैसा समझो एक चीज भी काफी थी लेकिन आपने हमको 10-15 चीज का हवाले दे दी, ऐसा समझो ये तो बहुत बड़ी बात है ना। इतने अगर दिन की मालूमात वाला आदमी है तो समझो ये बहुत बड़ी बात है। जी जी जी। और मतलब मेरा मसला ऐसा है जी कि मैं सबकी सुनता हूँ जी, मतलब ऐसा जो सबका मैं बयान वगैरह सबके सुनता हूँ जी, जी। लेकिन उसमें मेरे को ये मेरे हिसाब से मतलब जो लगता है कि नहीं बाबा ये शख्स के अंदर जो बात है वो सही है तो मैं उसी को पर अमल करता हूँ। जो आपकी बातें मुझे माशाल्लाह बहुत अच्छी लगी जी। नहीं आपसे जी, मोहम्मद साबिर। अच्छा अच्छा, मोहम्मद साबिर साहब, तो मोहम्मद साबिर साहब आपके नाम ही में माशाल्लाह सबर है। आप हमारा नंबर ले लीजिएगा और आपको कोई मसला दरपेश आए नाम पूछ लीजिएगा। इमाम हुसैन का ही नाम है जी, बेशक। उनकी मोहब्बत इतनी है हमारे दिल में तो फिर उनके खिलाफ अगर कोई रहेंगे तो फिर वो जरा हमको बिल्कुल बिल्कुल पर्सनल हो जाते। बिल्कुल हक हक हक, बिल्कुल हक बात। यही ईमान राहिल भाई, वो पठान साहब वो क्या नाम था इमाम मौलाना साहब का, वो ताहिरुल कादरी ना? जी हाँ जी हाँ। वो ताहिरुल कादरी के कुछ बयान ऐसे क्यों आते हैं? वो आला हजरत के खिलाफ भी कुछ फतवा दे देते हैं, ऐसे कुछ है शायद मैं सुना। असल में वो शख्स गुमराह हो गया, वो पहले बहुत लाइन पे चला फिर आखिरी में गुमराह हो गया। अच्छा, उसने कहा अच्छा। कि जब तक शियाओं को साथ नहीं लिया जाएगा तब तक अहले सुन्ना व जमात की सूरत मुकम्मल नहीं होगी, माशाल्लाह माशाल्लाह। तो इस तरह के बयान और भी बहुत सारे बयान है जो हम आपको फोन पे नहीं बता सकते, हम आपको भेज देंगे कुछ अच्छा। बयान उसके आप खुद समझ जाएंगे। अच्छा अच्छा ठीक है। और राहिल भाई मेरे को सिर्फ उतना वो बैच का वो भेज दो, मैं पटन साबिर भाई को भेज दूंगा। हाँ इंशाल्लाह मैं भेज देता हूँ। हाँ और ठीक है, वो तुम्हारा फोटो नहीं भेजे तुम? अरे फोटो इंशाल्लाह ढूंढ के भेज देंगे। ठीक है भाई, दुआ में याद रखिएगा, इंशाल्लाह फिर बात होगी इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम।